2018 में एक एकल बिजली संयंत्र ने दुनिया के सबसे बड़े कोयला संचालित और गैस संचालित संयंत्रों से ज्यादा ऊर्जा उत्पादन किया और सीमित जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के बजाय ये विशाल शक्तिशाली संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा के समय परीक्षणित स्रोत बहते पानी पर निर्भर था। 2.3 किलोमीटर तक फैला चीन का थ्री गॉर्जेस बांध न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है बल्कि ये पृथ्वी पर किसी भी अन्य बिजली संयंत्र की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है। तो थ्री गॉर्जेस इतनी ज्यादा बिजली कैसे पैदा करता है और सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र कैसे काम करते हैं? पन बिजली बांध असल में एक विशाल द्वार होता है जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को एक बड़े पाइप से पुनर्निर्देशित करता है जिसे पेनस्टॉक कहा जाता है। तेज पानी पेनस्टॉक से बहता है और टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है जो बगल के पावर स्टेशन में जेनरेटर से जुड़ा होता है। ब्लेडों को घुमाने से मैग्नेटिक क्षेत्र के अंदर तार की कुंडलियां घूम जाती हैं जिससे बिजली की निरंतर सप्लाई होती है। क्योंकि पेनस्टॉक्स को किसी भी समय सील किया जा सकता है, एक बांध तूफानी मौसम के दौरान अतिरिक्त पानी को रोक सकता है और इसे सूखे के लिए बचा सकता है। इससे पन बिजली बांध किसी भी मौसम में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही साथ नीचे की ओर बाढ़ को भी रोकता है। ये लाभ लंबे समय से यांगसी नदी के बेसिन के पास स्थित चीन के हुबेई प्रांत को आकर्षित करते रहे हैं। ये क्षेत्र बरसात के मौसम में घातक बाढ़ की चपेट में रहता है जब यांगसी का प्रवाह सबसे जबरदस्त होता है। एक बांध को बनाने की योजना है जो इस अस्थिर जलमार्ग को पूरी 20वीं शताब्दी के लिए बिजली के एक स्थिर स्रोत में बदल देगा। जब 1994 में अंततः निर्माण शुरू हुआ तो योजनाएं विशालकाय थी। बांध में 32 टरबाइन होंगे। पिछले रिकॉर्ड धारक दक्षिण अमेरिका के इटाइपू बांध से 12 अधिक। टरबाइन दो अलग अलग बिजली स्टेशनों को ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे। प्रत्येक सैकड़ों किलोमीटर तक फैले केबलों की एक श्रृंखला से जुड़ेंगे। थ्री गॉर्जेस से बिजली शंघाई तक के पावर ग्रिडों तक पहुंच जाएगी। हालांकि इस महत्वाकांक्षा की मानवीय लागत बहुत अधिक थी। बांध का जलाशय बनाने के लिए श्रमिकों को नदी के ऊपर 600 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि में बाढ़ लाने की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में 13 शहर, सैकड़ों गांव और 1000 से अधिक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल शामिल हैं। इस निर्माण के कारण लगभग 1.4 मिलियन लोग विस्थापित हुए और सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से अपर्याप्त माना गया। कई लोगों ने इस विवादास्पद निर्माण के खिलाफ तर्क दिया, लेकिन दूसरों का अनुमान था कि बांध की बाढ़ सुरक्षा से बचाई गई जिंदगियां विस्थापन के आघात से अधिक होंगी। इसके अलावा जलस्तर को ऊपर की ओर बढ़ाने से नदी की नौवहन क्षमता में सुधार होगा, शिपिंग क्षमता में वृद्धि होगी और क्षेत्र समृद्ध बंदरगाह शहरों के संग्रह में बदल जाएगा। जब ये परियोजना 2012 में पूरी हुई तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया। 2018 में बांध ने 101.6 बिलियन किलोवाट आवर उत्पन्न किया। ये चीन के लगभग 2% हिस्से को एक वर्ष तक बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली है या लगभग 2 वर्षों तक न्यूयॉर्क शहर को सत्ता में रखना। ये वास्तव में ऊर्जा की आश्चर्यजनक मात्रा है। और फिर भी 2 साल पहले आधे से भी कम आकार के एक और बांध ने वास्तव में अधिक बिजली पैदा की थी। थ्री गॉर्जेस के रिकॉर्ड सेटिंग पैमाने के बावजूद इटाइपू बांध ने अभी भी अधिक बिजली पैदा की। ये समझने के लिए कि इटाइपू बेहतर क्यों कर सकता है, हमें उन दो कारकों पर गौर करना होगा जो बांध से पैदा होने वाली ऊर्जा तय करते हैं। सबसे पहले टर्बाइनों की संख्या है। थ्री गॉर्जेस में दुनिया की सबसे अधिक स्थापित टर्बाइन क्षमता है। इसका अर्थ है कि ये सैद्धांतिक रूप से इटाइपू की तुलना में 50% अधिक बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। लेकिन दूसरा कारक उन टर्बाइनों के माध्यम से चलने वाले पानी की शक्ति और आवृत्ति है। थ्री गॉर्जेस कई गहरे संकीर्ण खड्डों में फैला है जिनमें शक्तिशाली पानी बहता है। हालांकि यांगसी के मौसमी बदलाव बांध को उसके सैद्धांतिक अधिकतम उत्पादन तक पहुंचने से रोकते हैं। दूसरी ओर इटाइपू बांध उस स्थान के ऊपर स्थित है जो पहले वॉल्यूम के हिसाब से ग्रह का सबसे बड़ा झरना था। हालांकि बांध के निर्माण ने इस प्राकृतिक आश्चर्य को नष्ट कर दिया, लेकिन पानी का निरंतर प्रवाह इटाइपू को हर साल लगातार अधिक बिजली पैदा करने की अनुमति देता है।
ये बांध प्रतिद्वंदिता अभी खत्म नहीं हुई है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इंगा फॉल्स बांध जैसी अन्य परियोजनाएं भी सबसे शक्तिशाली बिजली संयंत्र के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। लेकिन भविष्य चाहे जो भी हो, सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक बिजली संयंत्र का पर्यावरणीय और मानव प्रभाव उसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा जितना ही टिकाऊ हो। इन वीडियो के साथ सीखते रहें और सदस्यता लेने के लिए मत भूलना, और कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें।